अगर आप भी ऐसे मीटर है इसमें आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि ब्रेक हमेशा इंगेज रहती है, उसको कैसे पता कर सकते हो इसको भी शेयर करूँगा। देखो जैसे यहाँ पे जो ये खांचा है ना, बाकी कंपेयर के हिसाब से ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपके डिस्क पैड जल्दी घिस रहे हैं, ये भी एक सिम्टम्स है कि आपका ब्रेक इंगेज रहता है। रीज़न क्या है, पोजिशन देख रहे हो, हैचबैक क्रूज टाइप की बाइक, लेकिन जब आप ऐसे बैठोगे ना ऐसे तो इसे थोड़ा हल्का सा से पुश रहेगा, तो जो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इसमें रीज़न ये है कि सपोज कि आपने जूते पहने या हाई थोड़े पहने तो ये थोड़ा सा हल्का से इंगेज रहेगा ना, तो हाइड्रोलिक में ही प्रॉब्लम है, केबल में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। हाइड्रोलिक में क्या ऐसे दबा रहेगा थोड़ा सा, अभी अगर थोड़ा सा मूवमेंट रहेगा तो ये ब्रेक रहेगी। इसको आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट करना आपको मैं बताता हूँ कैसे एडजस्ट करते हैं। तो सिलेंडर देख लो, ये सिलेंडर है इसका और इसमें 13 नंबर का पाना लगेगा। अगर आपको ऐसा रहता है आप सेटिंग भूल सकते हो तो आप ऐसे एक मार्किंग कर सकते हो ऐसे, तो आपको मालूम है किस पोजीशन पे रहेगा। तो इसको थोड़ा सा हल्का सांटा, 13 नंबर है, इसको ढीला करना है, ठीक है। ढीला करोगे ना, ढीला हो तो एक बार उसमें WD-40 भी डाल देना, ज़्यादा दम नहीं लगाना। तो इसको थोड़ा थोड़ा हल्का ढीला करोगे तो ये यहाँ से देखो आपको पोजीशन मूव करते हुए दिखेगी, ये ऊपर आ रहा है, जैसे इसको टाइट कर रहे हैं ऐसे ये ऊपर आ रहा है। जब इसको आप इसे ढीला वो करोगे तो ये पीछे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहीं से एडजस्ट होता है ये, तो ये जो ढीला कर रहे हैं इसको ढीला करने के बाद इसको ढीला कर लेना है, ठीक है। ढीला जितना एडजस्ट करना आपको और फिर ये पकड़ लेके इसको घुमाना है, तो इससे आपको आइडिया आएगा आपका वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इससे जो भी आपको हो जाएगा, ऊपर करना है तो ऊपर, नीचे करना है तो नीचे। यहाँ से करोगे एडजस्ट तो पेडल आपका पेडल फ्रेम में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये पेडल ऊपर नीचे होगा, प्ले आपका जैसा आपको सेट करना है, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से आपको कर लेना है, फिर जो हाइट आ जाए उसको ये करके टाइट कर देना। तो जो आपके पैडल के आपको एक आइडिया दूँ, वो पैडल के लगभग थोड़ा नीचे रखना, मतलब उसके आसपास रखने का। अगर सिंपल बाइक है तो थोड़ा पैडल से नीचे रहे तो भी चलेगा, क्योंकि आप अगर ऊँचा जूता पहनते हो तो ज़्यादा असर करेगा। और अगर आपको नीचे करना है ऐसे उसको ढीला कर लो और इसको टाइट करो। अगर आपको ये नीचे करना है इस मतलब पेडल के नीचे लेना है, इसको थोड़ा टाइट करना, मतलब इसे चढ़ाना है। ये सेटिंग है, मैंने हंटर में भी ये वीडियो शेयर किया था, हंटर में भी सेम, हंटर में खास करके दबा रहता था तो उसकी डिस्क घिसते जा रही थी, सेम यही प्रॉब्लम इसके अंदर है। क्लासिक क्लासिक में थोड़ा ये प्रॉब्लम कम है, लेकिन तो भी अपने हिसाब से आप लीवर सेट कर सकते हो, इससे लीवर सेट होता है, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है, हाँ कोई नहीं, साफ कर दो, जाओ खेलो। तो ये लेवल में आ गया, ये थोड़ा ऐसे ऊपर जाएगा, जब ये आप ढीला करोगे दूर जाएगा ऐसे ऐसे तो ये ऊपर आएगा, जब ऐसे नज़दीक जाएगा तो ये नीचे आएगा। ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको फुल सेटिंग में ले लेना जैसी आपकी ज़रूरत है। ये मुझे ऐसा लगा डिस्क घिस रही है, इसके हिसाब से मैं ये सेट कर रहा हूँ। सो टाइट करने का भूल गया, तो ऐसे टाइट करना है और जब फुल पे आ जाए आपको लगेगा एडजस्ट हो चुका है, तो ये वाला बोल्ट लेना है 13 वाला। और सेटिंग आपको मार्किंग मैंने करना सिखा दिया है, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया भी आ जाएगा कि अगर आपको डिफॉल्ट सेटिंग में ले आना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये टाइट इस पोजीशन में जब टाइट कर दोगे तो आपका जो इसकी पोजीशन है सेट हो जाएगी जिस लेवल पे आप चाहते हो। तो अब ये बराबर है तो दबी नहीं रहेगी, इतना प्ले तो है इसमें, तो जब हाइट ज़्यादा रहती है प्ले करोगे तो फिर हल्का सा दबा रहता है तो आपका डिस्क घिसता रहेगा, ठीक है। और इंजन पर लोड पड़ता रहेगा और आपकी एवरेज कम आएगी और डिस्क बेट आपकी जल्दी घिसते रहेंगे और कुछ दिन के बाद डिस्क भी जल्दी खराब हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कोई भी बाइक के अंदर, अगर ऐसा कुछ चीज़ है सिम्टम्स है तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। कोई भी डिस्क वाली बाइक में ऐसे एडजस्ट होता है जो रियर में आती है, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया, पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।